हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 है। ओके, अपन स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? कोई सी भी इक्वेशन हो, अब पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 2, अगर कोई सी भी इक्वेशन हो उसकी अगर डिग्री 2 है तो वो क्या कहलाएगी? अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्या है? जनरल फॉर्म है, ax2 + bx + c = 0, जहाँ पे a क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल्स टू जीरो क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2x² + 3x + 5 = 0, ये पॉलीनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है? 2 है, तो ये क्या है? अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब अगर ऐसा कुछ दे रखा है 3x + 5 = 0, तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं, ये क्या है? अपनी लीनियर इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट्स, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही इक्वेशन होगी जिनकी डिग्री क्या होती है? अपनी 2 होती है। ऐसे इक्वेशंस जिनकी क्या है? डिग्री 2 होती है, पावर 2 होती है, वो क्या होती है? अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। एग्जांपल लेते हैं, 1 - 2x + x² = 0, अभी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तो हाँ, ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये अरेंज नहीं है। अपन इसको अरेंज करके लिखेंगे, सबसे फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री, फिर 2x, फिर +1 = 0, ये क्या है? अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, नाउ अगर इक्वेशन ऐसे दे रखी हो जिसमें पावर 3 है फिर 2 आ रहा है, तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं, ये कौन सी इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। नाउ एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं अपन। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अपन को चेक करनी है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होते हैं? ax2 + bx + c = 0, जहां पे a नॉट इक्वल्स टू 0 है, इस फॉर्म में है कि नहीं है। ओके, चेक करते हैं अपन, सॉल्व करेंगे इसको। ये फॉर्मूला बन रहा है किसका? a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a² + b² + 2ab। अपन को उसको यहीं पुट करेंगे, कितना हो जाएगा? x² b² का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2x इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसमें भी, तो कितना आ जाएगा? 2x और 2 3 = 6। x² + 2x + 1 इनको डाल दिया है 2x, और ये +6 = 0, ये माइनस में डाल के प्लस में हो जाएगा। एक्सप्रेस कैसे? ये प्लस में, ये माइनस में, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 6 + 1 = 7, ये 0। तो ये क्या है? इस फॉर्म में अपने आ रही है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ x² + bx + c = 0। देयरफॉर क्या लिखेंगे अपन? देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ फोर्थ वाला क्वेश्चन, नाउ ये क्वेश्चन दे रखा है, अपन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन इस एक्स को मल्टीप्लाई दोनों में कराएंगे, एक्स को मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, फिर -3 का पूरे स्क्वायर कराएंगे, क्या होगा देखते हैं। एक्स का कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 2x² + x, इसका कराएंगे तो -6x और -3, इसका कराएंगे तो x² + 5x। ओके, सॉल्व करते हैं अपन इसको, 2x² 6x में एक x लाएंगे तो कितना बचेगा अपना? -5x - 3। इनको इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये कितना हो जाएंगे? माइनस में साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ये इधर प्लस में थे। नाउ ये 2x² - 5x - 5x - 10x, और सॉरी 2x² में से एक x² जाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास? x² - 5x - 5x में से माइनस प्लस सॉल्व हो गया, और ये कितना हो गया? -3 = 0। तो ये क्या है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म में है, देयरफॉर इसीलिए
क्या लिखेंगे, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नॉट इनफ स्टूडेंट्स,